हेलो एवरीवन, जेड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड, यानी बीएससी थर्ड यानी फाइनल ईयर का जूलॉजी का पेपर, जो कि पेपर थर्ड है। इसका नाम है इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी। ये पेपर 2022 में आया था। ये एक पेपर है जो कि मैं आपको बताऊँगा इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन इस साल पूछे जा सकते हैं और क्या पेपर का पैटर्न रहने वाला है। देखिए, इसके लिए आपको मैक्सिमम 50 नंबर का रहेगा, 50 नंबर का पेपर आपको मिलने वाला है। 3 घंटे का समय होगा, सभी सेक्शंस आपको करने होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सी में 3 डिवाइड होगा। तो पहले सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन ए यानी खंड आ की, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों क्वेश्चन आपको करने होंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं? विस्तार पूर्वक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रभाव का वर्णन करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट, संचयी विषाक्तता क्या है? विषाक्तता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन अथवा में होगा। देखिए, 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे, तीनों अथवा में मिलेंगे। पहले जो क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग वाले, एक ही क्वेश्चन सब में मिलेगा। पारिस्थितिक अनुक्रमण पर एक निबंध लिखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, अथवा में दे रखा है, देखिए ये करिए, नहीं तो नीचे वाला दे रखा है। प्रवसन क्या है? पक्षियों में विभिन्न प्रकार के प्रवसनों का वर्णन करिए। माइग्रेशन क्या है? जब पक्षी एक जगह से दूसरी जगह स्थान पर आ जाते हैं, क्यों आते हैं, क्या केसेस होते हैं, ये सब वर्णन आपको करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? एक क्वेश्चन प्रदूषण से मिलने ही मिलना है। ध्वनि प्रदूषण का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अथवा में क्या दे रखा है? अधिगमन क्या है? अधिगत व्यवहार का वर्णन करें। इसी के साथ आ जाता है सेक्शन बी, खंड बा, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें आपको लगभग 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको कोई 5 क्वेश्चन करने होंगे। जैसे खाद्य श्रृंखला, रसो अनुचन, खाद्य श्रृंखला पढ़ लेना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है माता प्रतिक्रिया संबंध, ओजोन परत की क्षीणता, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अवयत्रिगामी प्रवसन, धक्का एवं खींच अभिप्रेरण, हानिकारक जीवाणु, अच्छा क्वेश्चन है। तंबाकू का मोज़ेक विषाणु TMB जो है वो भी अच्छा क्वेश्चन है। धावी अनुकूलन, जनसंख्या नियंत्रण, ये क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि सेक्शन सी रहेगा हमारा, यानी खंड 7, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेंगे। 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। जिस प्रकार से देखिए, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? आपके सामने देखिए ऑप्शंस दे रखे हैं। और चिकन पॉक्स निम्न में से किसके द्वारा होता है? पैन इज अ फेमस, किसके लिए फेमस है पैन? और प्रवासन के दौरान पक्षी नौ संचालन की में किसकी सहायता लेते हैं? चार ऑप्शन सबके दे रखे हैं। किस देश की जनसंख्या वृद्धि में निम्न में से किस पर निर्भर करती है? जन्म दर, मृत्यु दर, मृत्यु दर प्रवासन, जन्म दर प्रवासन दर, उपयुक्त सभी किसके ऊपर निर्भर करती है? इस टाइप के क्वेश्चन जो रहेंगे ना, वो आपको मिलने वाले हैं। और लास्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुविकल्पिक होते हैं, आपको इनमें से कोई एक आंसर ढूंढना होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पेपर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।